और अभी मेरा एनर्जी बढ़ गया क्योंकि मटन बिरयानी आंखों के सामने एकदम क्या बोलूं, पिंकिश ब्राउन कलर है, उतना भी पिंकिश नहीं है लेकिन तभी फ्रेश ही लग रहा है। ठीक है, इसमें अंदर तक नमक गया है, फ्लेवरफुल है, लेकिन 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 तो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फूड ऑफ फन और इट्स योर होस्ट राजदीप। आपको पता ही है वीडियो का थंबनेल देख के कि आज हम खाने वाले हैं बिरयानी, और ये जो बिरयानी है ये स्पेशल है क्योंकि इसका नाम ही है ढाका बिरयानी हाउस। एंड वी ऑल नो ढाका बिरयानी इन द सेंस मैंने बांग्लादेशी जो बिरयानी है उससे इसका नाम आया है। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये ढाका का ही कुछ मैंने कुछ जादू वादू होगा इसके अंदर, तो डिस्कवर करेंगे। उससे पहले बता दूँ कि मेरे साथ आज फिर से है सेहासीस एंड हेयर ही इज़, क्योंकि ये एक ही दिन में शूट हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले सुबह का ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद हम लंच खाने को आए हैं। अभी मेरे को ये मैंने लोकेशन स्नेहासीस ने बताया, एक्चुअली स्नेहासीस ने बताया कि इधर ही लोकेशन है, तो चलो उधर ही ट्राई करते हैं। तो अभी बातें नहीं करेंगे उतना, अंदर जाएंगे, खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है बिरयानी। तो चलो, ये रहा दुकान। चले अच्छे भाई, गर्मा गर्म बिरयानी देखो भाई, मेरे हाथ में आ गया है मटन बिरयानी गर्मा गर्म और साथ में है हारमोनियम पीस। और अभी मेरा एनर्जी बढ़ गया क्योंकि मटन बिरयानी आंखों के सामने एकदम क्या बोलूँ, लुभानेदार लायक लग रहा है। तो अभी हम इसको खा के दिखाएंगे आपको कि कैसा लगता है। ठीक है, मेनली हम इसको दिखाते, पहले जो चीज़ें देख लो ऊपर से गेटअप, गेटअप देख के आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ऐसा मसालेदार राइस है जो नॉर्मल हम लोग का कोलकाता स्टाइल बिरयानी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ में मिलता है एक ऐसा आलू, एक हारमोनियम पीस वाला मटन और सलाद है। और जेतु मैंने हाफ प्लेट लिया, पहले बता दूँ मैं हाफ प्लेट लिया हूँ तो अंडा मेरे को नहीं मिला, लेकिन आप लोग फुल प्लेट लोगे तो उसका दाम है 150 रुपीज़ और स्पेशल है 220 रुपीज़, 220 रुपीज़, तो उसमें आपको अंडा मिलेगा और स्पेशल में ज़्यादा राइस मिलेगा, एक पीस मटन ज़्यादा मिलता है। तो और चीज़ मैं सामने आके दिखा देने बोलूँगा कि देखो मटन का कलर एक बार, पहले मैं मटन दिखा देता हूँ, मटन के लिए मेरा बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। पिंकिश ब्राउन कलर है, उतना भी पिंकिश नहीं है लेकिन तभी फ्रेश ही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा ड्राई है और थोड़ा हार्ड भी है थोड़ा पीस। चलो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट लगा मेरे को, पीस थोड़ा सा हार्ड है। अभी फिलहाल टेस्ट में बताएंगे सब कुछ। तो पहले राइस के साथ, ओ सबसे पहला जो चीज़ है वो है इसको हटाएंगे, चम्मच को हटा देते हैं। अब चम्मच को हटा दिए हैं, अभी हाथ से खाएंगे थोड़ा, आ जाओ। तो थोड़ा सा मटन लेके उसके साथ आलू, ओ भाई आलू भी सॉफ्ट है, अंदर तक एकदम नमक गया है, दिखे मैंने दिखने में तो लग रहा है अंदर तक मसाला गया है। अभी खा के देखते हैं, आलू बहुत मीठा है। ये आलू तो मिश्री लगे चलो यार, एक बार खाना सब तो मैं यहाँ से इसको खिला के दिखाऊंगा। आलू थोड़ा सा मीठा है, हाँ हाँ मीठा है, लेकिन अभी रिव्यू दे दो तू, बाद में बताता हूँ। बहुत मीठा है आलू, पता नहीं क्यों। चलो एंड तक वेट कीजिएगा आप लोग, हाँ बहुत सारा बात बहुत बताना, राज बाहर निकलेंगे। और पहले बता दूँ क्वांटिटी के हिसाब से 100 रुपीज़ में ठीक ठाक है। एंड अभी बिरयानी को मटन के साथ ट्राई करते हैं, स्पाइसी है राइस बहुत। ठीक है, जो नॉर्मल कोलकाता स्टाइल बिरयानी में आपको नहीं मिलेगा। मेरे को तो अभी डाउट हो रहा है, ढाका ही बिरयानी बोला है भैया ने, और हाँ भैया ने और चीज़ भी क्लियर कर दिया है कि ढाका ही बिरयानी नाम में ही है सब। ठीक है, लेकिन है एक्चुअली दम बिरयानी। तो दम बिरयानी आप लोगों को पता ही है, हैदराबाद से आया है एक्चुअली, बताइए तो दम बिरयानी एक्चुअली तो हैदराबाद से है। तो अभी
इसलिए इसका स्पाइसी है इतना ज़्यादा। और एक चीज़ जो मैंने मेरे को अच्छा लगा है वो है मटन। मटन में अंदर तक नमक गया है, फ्लेवरफुल है, लेकिन 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 जो चीज़ ख़राब लगा वो है मटन का पीस बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखो नॉर्मल मटन में क्या होता है, हाथ देने से ऐसे टूट जाता है, लेकिन इसको ऐसे खींचना पड़ रहा है। मेरे पास अगर दो हाथ से मैं दिखाता ना तो आपको समझ में आता, ऐसे खींचना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो देखो देखो, समझ में आ रहा है, खींचना पड़ रहा है। बाकी का सब ठीक है। अभी राइस को थोड़ा सा सादा भी राइस ऊपर है उसके साथ देखते हैं। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को सिर्फ इसमें राइस ही अच्छा लगा, ना लगा आलू, आलू बहुत ज़्यादा मीठा है, एंड ना लगा उतना अच्छा मटन भी उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मटन बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ हार्ड हो गया। और मैंने मेरे को हारमोनियम पीस मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वीडियो में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखा दिया था, अभी एनर्जी पूरा डाउन हो गया है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है मेरे। ठीक है, मटन का पीस ठीक है, चर्बी वाला पीस है, देख लो एक बार सामने आके दिखा दो, ऐसे चर्बी वाला पीस है, लेकिन तब भी क्या है टेस्ट में तो वैसे है ना। तो चलो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। तो जिस एनर्जी के साथ आज हम वीडियो एंड करने वाले थे, उस एनर्जी के साथ आज वीडियो एंड नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन आज भाई खुश नहीं है, क्योंकि इतना भाई टूट गया, बिखर गया, टूट चूर चूर हो गया। मैं क्या करूं, मैंने सोचा था बहुत अच्छा बिरयानी है, ये सोच के कूद कूद के आया था, लेकिन निकला भाई एकदम, मैंने मैं बोलूँगा राइस ठीक था, लेकिन बिरयानी में जो आलू था मीठा था भाई। बिरयानी का आलू कभी मीठा नहीं होता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है भाई, बचपन से बिरयानी खाता हूँ, ठीक है। तो बिरयानी का आलू कभी मीठा नहीं होता है, लेकिन इधर मीठा था। सेकेंड ऑफ ऑल जो मटन का पीस था वो था बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं आपको, सॉलिड पार्ट था एकदम, मैंने हाँ बहुत हार्ड था, लेकिन मैं हार्ड भी नहीं बोलूँगा, ड्राई था बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो है इनका क्वांटिटी भी कम था गाइस, ठीक है। एंड ओवरऑल मैं एक चीज़ इससे तो आपको पता ही चल गया होगा भाई, बिरयानी में अगर मटन और आलू दोनों ही अगर बहुत गंदा निकले तो बिरयानी कितना गंदा हो सकता है। एंड इन द सेम वे फिर भी लोकेशन बढ़ाना मेरा जिम्मेदारी है, ताकि आप लोग आके ट्राई करें, अपना ओपिनियन दे सके। लोकेशन मेरे पीछे देख सकते हो, साउथ सिटी मॉल है, ठीक साउथ सिटी मॉल के बगल वाले जो गली है, इस गली में अंदर घुस जाओगे तो उधर आपको मिल जाएगा। एंड मैं फिर भी ये लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो और आप भी आके ये घटिया टेस्ट करके कुछ बता सके। मेरे को तो घटिया लगा है, आपको शायद अच्छा लगा। एंड मेरे साथ तो अभी इधर है स्नेहा सीज, उसको भी कैसा लगा पूछ लेते हैं, कैसा लगा आपको? टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, क्योंकि मतलब मुझे राइस भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब राजदीप को लगा है थोड़ा बहुत अच्छा, लेकिन मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल वेरी एवरेज, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बिरयानी इससे भी कम दाम में, इससे भी कम दाम में, एग्जैक्टली। तो उस प्राइस में थोड़ा अच्छा ही कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे हम लोग, लेकिन क्या करें, नहीं पानी हो गया। चलो ऐसे ही कुछ और एक नया मज़ेदार वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। मज़ेदार ये इसलिए है क्योंकि जैसा भी हो ये ख़राब चीज़ मैंने आपको दिखाया है, ताकि आपका कोई भी एक्सपेक्टेशंस इधर आके पानी ना हो जाए। आप लोग पहले से एक ख़राब एक्सपेक्टेशन लेके आओगे मेरा वीडियो देखोगे तो, एंड आके आपको अच्छा लगेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ शायद मेरे दिन में बुरा हुआ था। और एक नए और मज़ेदार वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, एंड जैसे मैं लास्ट टाइम एंड करता हूँ हर एक वीडियो को, ठीक उसी तरह एंड करूँगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड खाते रहो, टाटा।